Hello everyone, I am Advik Mungia and I am 14 years old. सबसे पहले तो मैं एक मेरा स्कूल का कॉम्पिटिशन था डांस का, तो मैंने वहाँ से शुरू करा था। पहले तो हमने इसको एक जस्ट एक समर वेकेशन में एंजॉयमेंट के लिए डांस क्लास में भेजा कि टाइम पास हो जाएगा अच्छा, बट वहाँ पे जैसे इसने डांस करा घर आके दिखाया कि ये, तो मेरे को लगा कि इसकी कैचिंग पावर इस लाइन में जल्दी अच्छी है, तो मैं डांस क्लास लगा और मैं डांस करता गया। मेरा बेबी छोटा भी है एक, तो उसको भी मैनेज करना होता है, उसकी पढ़ाई को देखना, इसकी पढ़ाई को देखना, दोनों को मैनेज करके इसको डांस क्लास लेके जाती हूँ। एकेडमी बहुत दूर थी तो मम्मा छोड़ के आते थे और फिर वापस आके घर का काम करना है, और ऐसे अगर कोई कॉम्पिटिशन भी आता था तो अपना काम छोड़ के पापा मेरे साथ जाते थे, मतलब बहुत साथ देते थे दोनों। जैसे अब डांस शो में गया था पॉपुलर बॉम्बे जब, तो अपना काम छोड़ के पापा मेरे साथ जाते थे। उस टाइम हमने पूरा इसको पंप करके जोर लगा के पूरा जुनून के साथ करवाया, मैंने सोचा तक नहीं कि काम का उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो पापा ने काम छोड़ के 3-4 महीने गए थे, तो बहुत नुकसान भी होता लेकिन बहुत साथ देते थे। तो सबसे पहले तो ऐसे जैसे मतलब सिंपल कॉल आते रहते थे कोई सॉन्ग वगैरह के लिए, शोज़ वगैरह के लिए, वो तो नॉर्मल था। तो ऐसे ही हमें एक दिन कॉल आया था कि आपकी कोई डांस वीडियो चाहिए, तो हमने ऐसी जो पड़ी थी वो डांस वीडियो भेज दी थी। उसके बाद फ़ोन आया कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हो बॉस्को मार्टिस की मूवी में। मतलब उस टाइम पे तो ऐसा मतलब विश्वास सा नहीं हो रहा था ना कि जिनके मैं सपने देखता था, जिनके गाने देखता था, उनकी मूवी पहली में मैं ही शॉर्टलिस्टेड हूँ। पहले तो जैसे इसको एक छोटे हमने स्क्रीन पर देखा, उस टाइम को हम अभी तक उस चीज़ को नहीं हम पूरी तरह हजम कर पा रहे थे। उसके बाद एक बिग स्क्रीन की मूवी मिलना, तो एक इमेजिनेशन को कह सकते हैं ना कि ड्रीम में आना जो आता है वो पूरे होते दिख रहे हैं इस चीज़ से कि यार एक बड़ी स्क्रीन पे अपना बच्चा परफॉर्म कर रहा है, तो जहाँ से भी निकलेंगे वो हर कहेगा यार आदवी के पापा जा रहे हैं। और वहाँ जाके वर्कशॉप्स हुई एक्टिंग की, इतना सारा बॉस्को से डांस सीखा और एक्टिंग वर्कशॉप्स करी और इतना सब कुछ सीखने को मिला। बॉस्को सर ने भी बहुत बताया एक्टिंग के बारे में। जैसे डांस दिवाने के टाइम पे इसके पापा 4 महीने वहाँ इसके साथ रहे, तो पीछे से अकेले ने मैनेज करना थोड़ा सा था मुश्किल। तो बाकी अभी मूवी के शूट पे मैं वहाँ अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ पे थी, बाकी पैंडेमिक हुआ तो वहाँ हम फंस गए। इस प्रोडक्शन टीम की बहुत अच्छी सपोर्ट थी हमें। If I talk about Advik, Advik is a star in making and I would say for a school he is already a star. तो गाइज हमारी मूवी आ रही है 11/11/22 को, 11th November 2022। जाइए अपने नियरेस्ट सिनेमाज में देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। नाचोगे तो बचोगे।